महान यत्र तत्र सर्वत्र। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड इज बेसिकली एन एटीट्यूड ऑफ बीइंग थैंकफुल एंड एप्रिसिएटेड फॉर व्हाट एवर यू हैव इन योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से वी आर एबल टू फोकस ऑन थिंग्स दैट वी हैव रादर देन थिंग्स दैट वी डू नॉट हैव। अक्सर अपने बड़ों को आपने सुना होगा कहते हुए, शुक्र करो कि तुम्हारी सेहत अच्छी है, शुक्र करो तुम्हारे पास खाना है, शुक्र करो तुम्हारे पास रहने को घर है। जब वो बार बार हमें शुक्र करने को कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? बेसिकली वो चाहते हैं दैट हम अपने गॉड का, अपने रब का थैंक यू करें। वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर गॉड हैज़ गिवन अस। जब हम थैंक यू करते हैं तो हमें रियलाइजेशन होता है कि हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं होती। जब हम ग्रैटिट्यूड में नहीं रहते, वेन वी आर नॉट थैंकफुल फॉर वट एवर वी हैव, देन वी आर एंग्री, वी आर अपसेट, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वी आर जेलस, बिकॉज हमें लगता है सामने वाले के पास हमसे ज़्यादा है। तो जब हम ये बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते हमारे पास क्या है, अपनी कमियों की तरफ ध्यान देते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा सैड, अपसेट, नेगेटिव और एंग्री रहते हैं। ग्रैटिट्यूड के बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, वो सडनली डिसाइड करते हैं कि आप मुझे सरप्राइज़ टेस्ट लेना है। वो क्लास में बच्चों को बोलते हैं आज सबका सरप्राइज़ टेस्ट होगा। बच्चे बहुत अपसेट हो जाते हैं कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है, सर टेस्ट लेंगे, हम फेल होंगे, हमारा क्या होगा। सब पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चे पेपर्स जब देखते हैं तो और ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज उस क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं था। इट वॉज जस्ट अ ब्लैंक पेपर विद अ ब्लैक डॉट ऑन इट्स राइट हैंड साइड। जब बच्चे उसको देखते हैं वो कहते हैं, सर हम इसमें क्या लिखें, सिर्फ प्लेन कागज़ है और इस पर आपने डॉट लगा दिया, व्हाट डू वी राइट अबाउट इट। तो सर कहते हैं, आपको इसका जो भी मीनिंग समझ में आता है इस क्वेश्चन पेपर का, जिस भी तरीके से आप इसको इंटरप्रेट करते हैं आप वो लिखें। सब बच्चे एक एक करके अपने आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट ख़त्म होता है, सर सारे आंसर शीट्स कलेक्ट करते हैं और क्लास में ही सबके आंसर सुनाने लग जाते हैं। किसी बच्चे ने लिखा था कि ये डॉट राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए था, किसी ने लिखा था कि ये डॉट जो है बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, किसी ने लिखा था कि ये डॉट की जगह स्क्वायर होना चाहिए था। हर एक स्टूडेंट ने सिर्फ उस ब्लैक डॉट को एक्सप्लेन किया जो बहुत छोटा सा था, किसी ने भी बाकी के सफ़ेद कागज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, हम भी अपनी लाइफ में वैसे ही कुछ करते हैं, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स हैं उनको लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत अपसेट रहते हैं, उनके कारण हम रात को सो नहीं पाते, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अरे ये प्रॉब्लम है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। वो टेंशन जो हमारी ज़िंदगी का बाकी सफ़ेद कागज़ है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो हमारे पास बाकी सब चीज़ें हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत उदास महसूस करते हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ वी कैन सेलिब्रेट, एवरी थिंग इज़ अ ब्लेसिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ब्लैक डॉट की तरफ फोकस करते हैं, तो हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं और निराश रहते हैं। लेकिन हमें आज से क्या करना है, वी हैव टू फोकस ऑन द वाइट पेपर ऑफ आवर लाइफ एंड वी हैव टू प्रैक्टिस लिविंग इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जब हम प्रैक्टिस करते हैं देन वी आर एबल टू लिव अ हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग थैंकफुल होते हैं, दे हैव हायर सेल्फ एस्टीम एंड इट इज़ ऑल्सो नोटिस्ड दैट पीपल हु आर मोर थैंकफुल दे आर लेस लाइकली टू हैव डिप्रेशन, क्रॉनिक डिजीजेज, एंड दे आर जनरली दे लिव लॉन्गर लाइव्स एंड दे आर ऑल्सो दे आर एबल टू हेल्प अदर्स बिकॉज दे रिकोगनाइज दैट वॉट दे हैव एंड वॉट दे कैन गिव टू अदर्स। सो ग्रेटफुल पीपल ऑल्सो हेल्प अदर्स।
all the grateful people, they value life, they recognize the good things in life, and they help others, and they make this world a better place. Gratitude practice karne ke piche ek science hai. Science kya hai? Science kehti hai, wherever your attention goes, that thing grows. जहाँ जहाँ हमारी अटेंशन जाती है वो चीज़ हमारी लाइफ में ग्रो करती है. अगर हमारी अटेंशन लैक की तरफ जाती है तो हमारी ज़िंदगी की लैक ग्रो करती है. हमारी ज़िंदगी की हमारी अटेंशन जो है अगर अबंडेंस की तरफ जाती है, अगर हम जो चीज़ें हमारे पास हैं वहाँ देखते हैं तो वो चीज़ें ग्रो करती हैं. तो जहाँ आप जो चीज़ चाहते हैं कि ग्रो करे वहाँ अटेंशन डालिए. जहाँ आप चाहते हैं जो चीज़ मल्टीप्लाई हो उस चीज़ के बारे में सोचिए. जो कमियां हैं आपकी उन कमियों पर काम तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उन कमियों को अपनी ज़िंदगी की टेंशन ना बना लीजिए. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल बेनिफिट है, जब हम थैंकफुल होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में, देन एक्चुअली हम उन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू कर पाते हैं. अदरवाइज हम उनको जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. अच्छा, अगर अच्छा घर है फॉर ग्रांटेड, अच्छे बच्चे हैं फॉर ग्रांटेड, अच्छे पेरेंट्स हैं फॉर ग्रांटेड, वी आर नॉट थैंकफुल. लेकिन जब हम उनके लिए थैंकफुल फील करते हैं उनकी वैल्यू हम ज़्यादा समझ पाते हैं, हम उनको ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं. अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड के प्रिंसिपल्स को अपनाने के लिए आप कुछ छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो कर सकते हैं. 5 तरीके मैं आपको बताऊंगी, जिस तरीके से 5 छोटी छोटी हैबिट्स जिनको आप फॉलो करें अपनी लाइफ में, देन एक्चुअली यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, यू कैन स्टार्ट फीलिंग थैंकफुल, एंड यू कैन मेक योर लाइफ बेटर. पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है अपनी लाइफ की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए. लाइफ इटसेल्फ इज़ अ सेलिब्रेशन. जो जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपकी होती हैं, आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अचीव करते हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए. बड़ी अचीवमेंट का वेट मत कीजिए, अपने आप को हर छोटी अचीवमेंट पे अप्रिशिएट कीजिए. वे नंबर 2 क्या है? आप अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट कीजिए. जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनमें बहुत कमियां होंगी, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि उनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, उनके कुछ अच्छी हैबिट्स भी होंगी. जो उनकी अच्छी हैबिट्स हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको बताइए कि ये आप में अच्छा है, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं. एक कॉम्प्लीमेंट दिन में ज़रूर अपने लव्ड वन को दे दिया कीजिए. थर्ड तरीका क्या है? थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने आप को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए. हो सकता है कि आपकी हाइट कम हो लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप अपने आप को अपने उस चीज़ के लिए प्रेज कीजिए. अपने हाइट को अपनी कमी समझकर सिर्फ उसके लिए रोते ना रहिए. अपनी लाइफ में आपकी जो भी आपके पॉजिटिव बातें हैं उसको आप अप्रिशिएट कीजिए. चौथा तरीका क्या है? कभी कभी आप कहीं जाते हैं, आपको कोई स्ट्रेंजर मिल जाए, स्माइल कर दीजिए उस स्ट्रेंजर के ऊपर. हो सकता है वो स्ट्रेंजर बहुत उदास हो, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो, आपकी स्माइल से उसकी ज़िंदगी की शायद टेंशन ख़त्म हो जाए, शायद उस दिन का जो उसकी उदासी हो वो चली जाए. किसी भी स्ट्रेंजर पे कभी आप लिफ्ट में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ट्राई एंड स्माइल एट स्ट्रेंजर्स. 5वां तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर 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 रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिएगा. वो है एक छोटी सी डायरी मेंटेन कीजिए, छोटी सी नोटबुक मेंटेन कीजिए. उसमें आप रोज़ की चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं. आप लिख सकते हैं आई एम थैंकफुल फॉर द चिल्ड्रन दैट आई हैव, आई एम थैंकफुल फॉर द फूड दैट आई गेट, आई एम थैंकफुल फॉर द क्लोथ्स आई वेयर, आई एम थैंकफुल फॉर मेनी थिंग्स. यू कैन राइट, एक दिन हो सकता है आप 10 चीज़ें लिखें, अगले दिन हो सकता है आप 20 लिखें, उसके अगले दिन शायद आप 50 लिखें. आप नोटिस करेंगे जब आप रोज़ रोज़ पॉइंट्स लिखते जाएंगे जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, वो पॉइंट्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मेनी फोल्ड्स बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ जहाँ आपका अटेंशन जाएगा वो चीज़ एक्सपैंड हो जाएगी. बिकॉज जिस चीज़ के बारे में आप कंसिस्टेंटली सोचते हैं आप उसको एक्सपैंड कर लेते हैं अपनी लाइफ में. तो दोस्तों, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल एंड लिव अ हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ. थैंक यू सो मच.